जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 18वां अध्याय। नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहाँ आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राजे की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी, तीन नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुर राज इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैतेंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, ऊंचेश्वरा घोड़ा भी आपके पास है, कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबार आपके पास हैं, ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्य पूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैतेंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती।
वह सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी है। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड का 18वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।